राजस्थान भले ही यहाँ रेगिस्तान है, अनाज कम पैदा होता है, लेकिन यहाँ की भूमि ने कई ऐसे वीर पैदा किए हैं जिनका नाम सुनकर दुश्मन कांप उठते थे। राजपूत राजाओं की तो कहानियाँ और किस्से आपने खूब सुने होंगे। आज हम जाट महाराजा सूरजमल के बारे में बात करेंगे। वीर राजपूत राजाओं की तरह महाराजा सूरजमल की भी पूरे भारत में धाक चलती थी। इतिहासकार बताते हैं कि महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को राजस्थान की ब्रज रियासत के राजा बदन सिंह के घर हुआ था और कहते हैं कि इसी दिन मुगल बादशाह औरंगजेब की भी मौत हुई थी। कहते हैं कि महाराजा सूरजमल बचपन से ही तेज तरार और युद्ध कला में निपुण थे। महाराजा सूरजमल ने भरतपुर रियासत की स्थापना की और उसी समय जयपुर के महाराजा जय सिंह से महाराजा सूरजमल की काफ़ी गहरी दोस्ती हुआ करती थी, परंतु जयपुर के महाराजा जय सिंह की मृत्यु के बाद जय सिंह के पुत्रों में रियासत को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। महाराजा सूरजमल नियमानुसार जय सिंह के बड़े पुत्र को रियासत का वारिस देखना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ उदयपुर के राजा जय सिंह के छोटे पुत्र को रियासत का वारिस देखना चाहते थे। इसीलिए गद्दी को लेकर माधव सिंह और ईश्वरीय सिंह दोनों भाइयों में युद्ध शुरू हो गया, लेकिन माधव सिंह हार गए और ईश्वरीय सिंह जयपुर के राजा बन गए। लेकिन माधव सिंह हार पचा नहीं पाए, रणनीति बनाकर सभी राजाओं को इकट्ठा कर फिर ईश्वरीय सिंह को युद्ध के लिए ललकारा। ईश्वरीय सिंह अकेले पड़ गए थे। इसी दौरान ईश्वरीय सिंह का साथ देने के लिए महाराजा सूरजमल आगे आए। सूरजमल अपने 10,000 सैनिकों के साथ दुश्मन की भारी भरकम सेना पर टूट गए। कहते हैं कि सूरजमल दोनों हाथों से तलवार चलाने में माहिर थे और इस युद्ध में सूरजमल की विजय हुई। इस जीत के बाद पूरे भारत में महाराजा सूरजमल की जीत का डंका बजने लगा। 1753 तक महाराजा सूरजमल ने अपनी रियासत को दिल्ली तक बढ़ा लिया था। इससे नाराज होकर दिल्ली के नवाब गजीउद्दीन ने षड्यंत्र रचा और मराठा सरदारों के कान महाराजा सूरजमल के खिलाफ भर दिए। इसके बाद मराठा सरदार भरतपुर पर चढ़ाई शुरू कर दी। 3 महीने से ज़्यादा भरतपुर के किले की घेराबंदी की गई, लेकिन मराठे किले को भेदने में असमर्थ रहे। कुछ दिनों बाद मराठा सरदारों ने महाराजा सूरजमल से संधि कर ली। महाराजा सूरजमल सभी कलाओं में निपुण थे, यहाँ तक कि वह आगे की भी चीजें भांप लेते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। महाराजा सूरजमल ने लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया। कहते हैं कि अंग्रेजों ने 13 बार किले पर आक्रमण किया, लेकिन किले को भेद नहीं पाए। इस किले की दीवारें इतनी बड़ी थी कि अंग्रेजों के भारी भरकम हथियार, यहाँ तक कि तोहफे और गोले बारूद भी इस किले का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मराठा सरदार भी कई दफे महाराजा सूरजमल से सहायता मांगी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही किसी कारणवश मराठा सरदारों और सूरजमल में मनमुटाव हो गया। कहते हैं कि अगर मराठों और सूरजमल के संबंध बिगड़ते नहीं तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह नहीं बल्कि मराठे जीतते। मराठों से संबंध अच्छे न हुए होते भी महाराजा सूरजमल ने बड़ा दिल दिखाया और पानीपत के युद्ध में जो मराठे घायल हुए थे उनके लिए चिकित्सा और खाने पीने का प्रबंध किया। कहते हैं कि उस समय महाराजा सूरजमल का राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि हरियाणा तक राज हुआ करता था। लेकिन 25 दिसंबर 1763 को हिंडन नदी के तट पर नवाब नजीब उद दौला के साथ हुए युद्ध में महाराजा सूरजमल वीर गति को प्राप्त हुए। भारत के इतिहास में आज तक महाराजा सूरजमल का नाम अमर है और इनकी वीर गाथा पूरे विश्व में गाई जाती है। वीडियो को शेयर कर दीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब पर, ताकि भारत के गौरवशाली इतिहास को हर भारतीय जान सके। और वीडियो पर नए हैं तो नीचे एक लाल बटन है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।